इस्लामाबाद और काबुल में टेंशन जारी है जब से अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था 2021 में। पाकिस्तान ने टेंशन को कम करने के लिए स्पिन बोल्डर चमन को खोला और फिर बंद कर दिया जब 13 नवंबर को क्रॉस बॉर्डर गनफायर हुआ जिसमें पाकिस्तान का एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को अफगान कैपिटल भेजा। अब इसके साफ इशारे मिल रहे हैं कि पाकिस्तान के पास जो लीवरेज था अफगान तालिबान के साथ वो अब खत्म होता जा रहा है। जब से तालिबान अफगानिस्तान में आया है तब से बार बार अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर आए दिन क्लैशेस होते रहते हैं और फिलहाल में ये क्लैशेस और बढ़ गए हैं। पाकिस्तान इन क्लैशेस को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है ये कह के कि इसका डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन निकलना चाहिए, पर ये साफ रहा दिख है अनरेस्ट इतना बड़ा हो गया है खास तौर से पाकिस्तान पश्तून बेल्ट में के इससे किनारा नहीं किया जा सकता। जब एक इंसिडेंट नवंबर 19 को पाकिस्तान बॉर्डर गार्ड्स और तालिबान सोल्जर्स के बीच हुआ डन पाटन अफगान प्रोविंस ऑफ पक्तिया पर, तब पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट साजिद हुसैन ने बोला कि अफगानिस्तान ने जो वायलेशन की है पाकिस्तान के खुर्रम बॉर्डर एट खरलाची एंड बोर की उसकी मैं निंदा करता हूँ। देखने में जो प्रो इस्लामाबाद रेजीम लगती है जिसे तालिबान लीड कर रहा है, पर अंदरूनी टेंशन दोनों मुल्क के बीच बनी हुई है। काबुल अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर जिसे ड्यूरेंड लाइन भी कहते हैं उसको बॉर्डर मानता ही नहीं है और हाल फिलहाल ये सबसे बड़ी वजह रही है क्लैशेस की। तालिबान के अंडर में जो न्यू गवर्नमेंट है वो कई चैलेंजेस फेस कर रही है, उसमें ह्यूमैनिटेरियन एड, बेसिक हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में ISIS का चैलेंज भी फेस कर रही है। जब अफगान तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में फिर से आए तो उन लोगों को बहुत खुशी हुई जो पाकिस्तान में शरिया लॉ चाहते हैं। पाकिस्तान का जिहादियों को सपोर्ट करना अब उनके ही गले की हड्डी बनता जा रहा है और इसका डर पाकिस्तानी लोगों में भी है। अब जो जिहादी सोच वाले लोग पाकिस्तान के अंडर में हैं, जो कि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की ही गलती है क्योंकि उन्होंने ऐसी सोच को बढ़ावा दिया, वो लोग अब पाकिस्तान में शरिया लॉ चाहते हैं। तालिबान को पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ने ग्रूम किया स्पेशली फॉर देयर एंटी इंडिया पॉलिसी, पर अब अफगानिस्तान पर कंट्रोल तालिबान का है और उनको एंटी इंडिया होने पर फायदा से ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि इंडिया कम से कम फंडिंग दे सकता था डेवलपमेंट के लिए। ये हम कह सकते हैं कि इंडिया और तालिबान के रिलेशन अगर अच्छे नहीं हो रहे तो बिगड़ भी नहीं रहे हैं। पाकिस्तान एक मेजर बेनिफिशियरी है तालिबान की अफगानिस्तान में सरकार है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो देश तालिबान को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाए वो है रशिया, चाइना और कतर। और तालिबान अब ये साफ सिग्नल दे रहा है कि वो अब इस्लामाबाद के इशारों पे नहीं चलेगा। पाकिस्तान की अनपॉपुलैरिटी जो अफगानिस्तान में है उससे तालिबान भी कॉशियस हो गया है कि ऐसा ना हो कि वो पाकिस्तान की कठपुतली लगे। अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान को कितना नापसंद करते हैं एक क्रिकेट मैच से भी जाहिर हो गया जब अफगानिस्तान पाकिस्तान से हार गया और इसके बाद अफगानिस्तानी लोगों जो स्टेडियम में थे उन्होंने पाकिस्तानियों को चेयर और बॉटल से मारा। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी उनको नमक हराम बोलने लगे क्योंकि 4-5 मिलियन अफगान पाकिस्तान में रहते हैं और अफगान लोग पाकिस्तानी लोगों को टेररिस्ट बोलने लगे। अफगान तालिबान में मेजॉरिटी पश्तून एथनिसिटी के हैं और ये अफगान पाकिस्तान बॉर्डर के दोनों तरफ मौजूद हैं, पर इनकी ये आइडेंटिटी रेडिकल इस्लामिस्ट के पीछे छुप जाती है। पर पाकिस्तान को ये ज्यादा सूट करता है कि तालिबान की इस्लामिस्ट जिहादी वाली आइडेंटिटी बनी रहे, क्योंकि पश्तून नेशनलिज्म की जो आइडेंटिटी है वो पाकिस्तान के लिए बहुत टाइम से सरदर्द बनी हुई है। तालिबान मूवमेंट अपनी ये दोनों आइडेंटिटी इस्लामिस्ट जिहादी और पश्तून नेशनलिज्म को यूज करता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अब जो तहरीक ये तालिबान है उन्होंने अफगान तालिबान को अपना रोल मॉडल मान लिया है और पाकिस्तान के खिलाफ टेरर कैंपेन शुरू कर दी है अपने नॉर्थ वजीरिस्तान बेस से।
तहरीक ये तालिबान ने 28 ऑफ नवंबर को पाकिस्तान के साथ अपना सीज फायर एंड कर दिया और 30 ऑफ नवंबर को टीटीपी के सुसाइड बॉम्बर ने पुलिस ट्रक पर हमला किया बलूचिस्तान प्रोविंस में, जिसमें 3 लोग की मौत हो गई और 28 लोग घायल हो गए। टीटीपी ने इस अटैक को जस्टिफाई किया ये कह के कि ये उनका बदला है उस एक सीनियर कमांडर अब्दुल लियाली जो कि अगस्त में मारा गया था। अब टीटीपी ने जो सीज फायर एंड किया है वो अब पूरे पाकिस्तान में हमले करेगा और ये ऐसे समय हो रहा है जब पाकिस्तान को नया जनरल मिला है आसिम मुनीर। अब देखना होगा आसिम मुनीर की क्या पॉलिसी होती है तालिबान के खिलाफ। अब इस्लामिस्ट मिलिटेंसी पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में बढ़ गई है और पाकिस्तान फोर्सेस टीटीपी से डायरेक्ट अटैक फेस कर रही हैं। टीटीपी के मिलिटेंट बाब वायर को हटा रहे हैं जो पाकिस्तान सिक्योरिटी बॉर्डर पर लगा रही है। जब से तालिबान पावर में आए हैं तब से 50% अटैक पाकिस्तान में बढ़ गए हैं। पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां एक्सटॉर्शन किडनैपिंग फॉर रैंसम की घटनाएं बढ़ गई हैं। पाकिस्तान की लीडरशिप को लगता था तालिबान टीटीपी को कंट्रोल करेगा पर ऐसा हो नहीं रहा। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने सितंबर 2022 में यूएन जनरल असेंबली में कहा था कि पाकिस्तान को खतरा है मेजर टेररिस्ट ग्रुप से जो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। अब देखना होगा आने वाले दिनों में के क्या होता है।